दो गद्दियां मेरे लिए रखवाई ताकि मैं ऊंचा ना रहूं थोड़ा सा। अगर आप कहें तो फोफड़ा के दरिया बिछा देंगे। तमाशा घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ जितनी खवातीन पूरी दुनिया में आई सलूट यू। छोटे हो गए ना कि बाबा अब तो वजीर बन गए। मोहब्बत करने का रिस्क ही नहीं लिया होगा जिंदगी में। नहीं, बहुत लिया। ये क्या बात हो गई? मोहब्बत आपको हक है। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। दुनिया शाहरुख खान का वीडियो मांग रही है। शाहरुख खान हमारे दाने ये देखें आप। ये आपको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। आगे पता चला कि चीनी तो 180 हो गई, मैं तो 125 छोड़ गया था। वॉचिंग द नाइट शो विद यार सो। मेरे जो आज के मेहमान है वो मैं कहता हूँ कि फखरिया मेरे दोस्त हैं, और ना सिर्फ वो मेरे दोस्त हैं बल्कि अब पाकिस्तान में जितने लोग टीवी देखते हैं वो उनके भी गायबाना दोस्त बन चुके हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनसे पूरा पाकिस्तान प्यार कर रहा है, पूरा पाकिस्तान इनको एडमायर कर रहा है, इनको अप्रिशिएट कर रहा है इनकी मेहनत के लिए, इनकी लगन के लिए। भैया ये वो एग्जाम्पल है, अगर कहा जाए ना कि ज़िंदगी में आपको मुश्किलात से लड़ने के लिए कोई एग्जाम्पल देखनी हो तो मैं कहूँगा आप इस लगे को देखो यार। हर स्टेज पर लाइफ के इसने अपने कदमों को साबित रखा, हमेशा लड़ा, हमेशा अपने टैलेंट को प्रूव किया। एक दिल से बहुत ही अच्छा इंसान है, तो ये पूरी हमारी कॉम को पता चल जाएगा कि दिल से कितने अच्छे इंसान हैं। आपकी भरपूर ताली में बुलाते हैं, बहुत ही टैलेंटेड मेरे बहुत ही अजीज दानिश मकसूद। ये बताएं दो गद्दियां मेरे लिए रखवाई ताकि मैं ऊंचा ना रहूं थोड़ा सा। सर हम चाहेंगे आप कंफर्टेबली बैठे। अच्छा कंफर्टेबल बैठे। अगर आप कहें तो हम सोफा उठा के दरिया बिछा देंगे जिसने आपको आराम मिले। आप यकीन करें मैं दरिया पे बैठ जाऊंगा आपकी मोहब्बत में। आजाद समो भैया ये आप लोग सभी इनको तमाशा घर में देख रहे थे और इन्होंने लोगों के दिल जीते। हमारा ये दिल को 10-12 साल पहले जीत चुके थे। और ये एक बहुत ही मेहनती इंसान, बहुत ही लगन से, और वो कहते हैं जिंदगी में एक्सक्यूजेस नहीं देता है इंसान। जो चैलेंज आप उसको दे दो, एक रहा हाँ मैं कर लूंगा। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ किए, ऑन स्क्रीन भी साथ किया, ऑफ स्क्रीन भी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। भैया तमाशा घर आप पहुंचे? बिल्कुल पहुंचा और भरपूर पहुंचा। और बहुत पहुंचा भी लगाया, झाड़ू भी लगाए, मुंह भी लगाया, बर्तन भी धोए, बड़ा कुछ किया। मतलब अब घर जाके बेगम ये बोलती है देखिए सारे काम आप सीख के आ गए, आप नहीं कर रहे। ये बड़ा मसला। भाभी वहां तो कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? ये होता है ना, अब तो बोले वहां कर रहे थे ना, अब यहाँ भी करें। अब कोई बहाना नहीं बन सकता कि ये नहीं आता यार। बस अगर देखा जाए तो हम घरों में शायद इतना काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज था आपके लिए। बहुत सारी चीजों को आपने ऐसा चैलेंज दिया। यार भाई मैं बताऊँ ना, हम अपना अक्सर जो है ना घर वालों के काम को इतना मतलब समझते नहीं कि इतना बड़ा काम है ये। पर हम अगर 9 to 5 जॉब करके आए, हम अपने शूट से आए, तो हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बड़ा पार सर करके आ रहे ना। लेकिन वो जो लेडीज हमारे घर की ना, इतनी खवातीन है, पहले तो सलूट। क्योंकि तमाशा घर में जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बर्तन धोना कितना मुश्किल है, मॉप लगाना कितना मुश्किल है, घर के काम करना कितना मुश्किल है। 9 to 5 नहीं, 24 घंटे का काम है। वो इसमें ना ईद की छुट्टी होती है ना इतवार की छुट्टी होती है, भले काम बढ़ जाता है, डबल ड्यूटी आती है। तो सर सलूट। अब यकीन करें बर्तन धोते तो कमर रह जाती है, गर्दन रह जाती है, आप मॉप लगाते लगाते हम समझते हैं बड़ा आसान काम है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये। जितनी खवातीन है पूरी दुनिया में आई सलूट यू। वाह वेरी गुड। अच्छा दानिश जी सर, अच्छा ये वो दोस्त, ये तो हो गया इमोशनल। तो भाई इस वक्त पूरा पाकिस्तान दानिश भाई दानिश भाई दानिश भाई कर रहा है, तो हम भी आपको दानिश भाई कहकर मुखातिब करें या तो हमारा पुराना वाला दानिश है? सर आप तो पहले भी दानिश भाई कहते थे, हम तो वो रिस्पेक्ट तो है हमारी। हां वैसे अकेले में हम एक दूसरे को बहुत कुछ कहते हैं, अकेले में बहुत कहते हैं। देख हम दानिश भाई आयाज भाई वाला माहौल चल रहा होता है, और अच्छी बात है, ऐसी ही होना चाहिए। हम क्यों दुनिया को बताएं कि हम किस इक्वेशन पे हैं? वो तो हमारा अपना एक अलग सा जाति फील है। लेकिन वैसे तो दानिश भाई आप जब तमाशा घर में जा रहे थे तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, और अंदर जाने के बाद क्या कहानी खुली आपकी कि भाई ये जो सोच रहा था वही है या अलग ही? बिल्कुल सर ना पूछे, जब मैं जा रहा था ना तो जब मुझे कॉल आई थी तो मैंने ये सोचा था कि भाई सही है, एज अ कॉमेडियन मैं जा रहा हूँ तो बड़े तफरी करूंगा, लोगों को तंग करूंगा, ये एक्सपेक्ट किया होगा, यही सोच के भेजा होगा, क्योंकि मुझे रखा है इस वैसे रखा होगा थोड़ा तफरी हंसी मजाक फनी हो। लेकिन जब वहाँ जाके कैरेक्टर बना के जाऊंगा, कैरेक्टर बना के जाऊंगा, जब कोई कैरेक्टर नहीं रहता अंदर भाई सब खुल जाते हैं, कैरेक्टर सारे कैरेक्टर बाहर आ जाते हैं। आपका असल कैरेक्टर क्या है वो पता लग जाता है अंदर। यार वाकई बंदा जो बंदा सोबर बन के बड़ा इनोसेंट, भाई आप 5 दिन एक्टिंग कर लेंगे, 10 दिन एक्टिंग कर लेंगे, लेकिन इन द एंड आप वो बन जाते हैं जो आप होते हैं। सर 43 डेज पेशेंस का गेम है, और आपको ना एंटरटेनमेंट है वहाँ पर, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास घड़ी है। मतलब हम अजान कभी कभार आवाज आ जाती थी, हम बाहर जाते थे तो अब बाहर जाने का क्या टाइम हो जाएगा, क्लाउडली मौसम है, हम समझ रहे हैं 12 बजने 4
बजने पांच या दोपहर ना, घड़ी ना मोबाइल ना अखबार ना पेन, कुछ नहीं, नहीं। सर, कुछ भी नहीं। तो दिन रात का पता कैसे चलता था, अंदाजे से? अंदाजे सर, हम तो समझते थे हम शायद हमें 11 बजे उठाते होंगे, बाद में एंड में आके पता चला कि सुबह 8 बजे उठा देते थे। रात को जब हम सोते थे तो हमें लगता था हम 10 बजे लाइटें बंद होती है तो 12-12 बजे तक सो जाते होंगे, लेकिन वो मुझे बैंड में निकलने के बाद बच्चे ने बताया दानी भाई हम आपको लॉन्ड्री लेने आते थे ना, जब आप पता कितने बजे सोते थे, बताया यार 12:30-12 बजे, बोले सर आप 3-3:30 बजे सोते थे, आपकी लॉन्ड्री देने के बाद हम घर जाते थे, हमें इंतजार करना पड़ता था। रात के 3:30 बजे तुम लोग सोते थे? 3:30-3:30 बजे, टाइम का पता नहीं होता था। और उठते कितने बजे थे? 8 बजे सुबह। और उठते के 6 घंटे की नींद भी नहीं हो रही थी। और उठते के साथ ही आपने बस नाचना शुरू कर दिया, मतलब एक्टिव हो जाना है। तो भैया ये अच्छा, ये नाचने वाले अक्सर लोग नीचे कॉमेंट करेंगे यार सुबह सुबह उठ के कौन नाचता है, ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो बताया गया था कि डांस करना ही आप नहीं, लोग खुद कर रहे थे? बताया नहीं गया था, असल में क्या होता है कि आप उठाने के बाद आवाज लगा उड़िया ओए उड़िया दानिश उड़िया, इतना अजीब सा लगेगा। हाँ। तो एक लाउड म्यूजिक खोल देता था ताकि सबकी आंख खुल जाए। हाँ। सही। अच्छा, उसमें होता है हम लोग भी होते हैं तो थोड़ा सा सुस्ती होती है, तो हम खुद अपने आप को वार्म अप करने के लिए डांस करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा नींद भी भाग जाए, तो इस वजह से फिर आपको नाश्ता भी खुद बनाना है, काम भी सारे खुद करने हैं, सही ना, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक करते थे, और यार क्या करेंगे, यही एंटरटेनमेंट थी हमारी। हाँ। आप पहले हफ्ते के वजीर बन गए सर, वजीर बनना आपके लिए हमने देखा कि क्योंकि नया नया गेम था। हाँ। आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, आप बने बड़े सख्त वजीर। पहले हफ्ते में आपने कहा जो मैं कह रहा हूँ होगा, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। हाँ। तो वो जो आपने उसको कैरेक्टर बना लिया अपना वजीर का, आपको क्या लगा आप पूरे 40 दिन ऐसे रहने वाले? बस क्या हुआ, पहले जब मैं वजीर बना ना, शुरू शुरू में मुझे जैनब ने वोट दिया और उन सब ने मुझे वोट दे दिया, ठीक है, और शुरू में भंड मुझसे क्या हुआ, जैनब ने मुझे वोट दिया, मैंने जैनब का मुशीर बना लिया, किसी बात में मैंने पहले दिन ही जैनब को जेल में डाल दिया, मतलब मैंने जैनब की जिंदगी बचाई और टांग पे गोली मार दी। क्या अच्छी मिसाल दी भाई, वाह। वो मेरे खिलाफ हो गई सर, फिर हमारी हो गई, अब वो मेरी मुशीर, अब वो मेरी बात नहीं माने। सही, अब वो लग रहा था वो वजीर हूँ मैं मुशीर हूँ, मतलब वो मुझसे कोई 15 साल छोटी होगी जरा या 14 साल, लेकिन वो ऐसा लगता है मेरी आप ही है, और मैं उसके बाद में बोलता भी था जो मेरी छोटी है लेकिन आप ही है, तो जिस तरह से हुकुम चलाती है ना उसका एक पर्सनैलिटी है ऐसी जनाब की, लेकिन क्यूट है, अच्छी है, बाद में आगे रियलाइज हुआ कि बहुत अच्छी इंसान है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दिल की बुरी नहीं है। सही है। अच्छा, हम दोनों छोटे छोटे, घर में सबसे छोटे हम, मतलब मैं उम्र में छोटा तो नहीं था, कद में मैं छोटा, जैनब मुझसे थोड़ी सी बड़ी, और हमारे आगे जो बंदे हैं वो 6-6 फुट के। अब मैं हम छोटे हो गए ना कि बाबा अब तो वजीर बन गए, अब 7 दिन एंजॉय करेंगे। हाँ। काम वाम में बादशाह सलामत, आप काम नहीं करें, आप आराम करें, खाए पिए, आप सेफ हैं। हाँ। हम छोटे हो गए बाबा, ये तो सही है, अब ये नहीं बताता वजीर जो है वो सबसे बड़ा बकरा होता है। अच्छा, मतलब 2 बंदे इधर है। हाँ। और 12 बंदे उधर है, और 12 बंदे एक हुए में, और एक टास्क आया 2 दिन का, उसमें 10-10 कार्ड दे दिए सबको, और 10 कार्ड में ये था कि आपने कार्ड बचाने, जिसके जितने ज्यादा कार्ड बचेंगे वो सेफ हो जाएगा, ठीक है, एक हफ्ते के लिए। अब 2 कार्ड में खाना खाना है, 2 कार्ड में सोने जाना है, 1 कार्ड यूज करना है वॉशरूम के लिए, वॉशरूम नहीं जा सकते आप। अच्छा। हाँ, वो कार्ड देंगे तो आप वॉशरूम जाएंगे, और कैमरे में दिखाना है सब बंदों के पास 10-10 कार्ड। अच्छा, हमारे पास नहीं थे, हम दो वजीर, तो वजीर और मुशीर, हमको अलाउड था सब कुछ, लेकिन हमारे पे सख्ती थी कि कोई भी अगर वॉशरूम गया बगैर कार्ड के तो आपको सजा मिलेगी, किसी ने खाना खा लिया तो आपको सजा मिलेगी। पहला वजीर जो बाथरूम के बाहर बैठा हुआ है सर, बाथरूम के बाहर अंदर नहीं आना, हर जगह नजर रख रहे हैं हम दोनों, और ये 12 के 12 अंदर प्लानिंग बना आके देखा, प्लानिंग बना के बैठे हुए कि देखिए हमें 12 को एक पेज पे आना पड़ेगा, एक को हम वहां बातों में लगाएंगे, एक को यहाँ बातों में लगाएंगे, तो चुपके से वॉशरूम में चले आएंगे। अब ये चोरियां हो रही हैं वहाँ, सेब चुराए जा रहे हैं, आड़ू चुराए जा रहे हैं, मैंने नताशा को अरूबा को पकड़ लिया, उनके सीट के पीछे निकला, नहीं हमने नहीं निकाला, अच्छा क्या कर रहे हैं, अरूबा और नताशा ने चुराया और सेलिब्रेशन बना रहे, मैं सामने खड़ा हूँ, तालियां मार मार के हंस रहे, हमने देखा तालियां क्यों मार रहे, पता चला अच्छा मैं ये चेकिंग करी तो आड़ू निकल गया उसके बाद से गिरफ्तार। अच्छा, लॉन में जाने के बाद एक दूसरे का, राणा ने पूरे पूरे अंगूर के गुच्छे छुपाए हुए थे, और राणा मेरे साथ नुकलिस बना हुआ है, दानिश भाई मैं आपके साथ हूँ, आज यकीन करें मैं देख रहा हूँ, आप भी देखें, मैं देख रहा हूँ अंगूर में छुपाऊंगा, ये नहीं पता सबसे बड़ा चोर वही था,
वैसे राणा ने ना बड़ा अच्छा गेम खेला इन टर्म्स ऑफ गेम देखा जाए, कंटेंट वाइज उसने बड़ा अच्छा खेला है, और बड़ा कलरफुल है। जिस तरह से वो कपड़े बदलते थे ना, उस तरह से रंग भी बदले उसने। अच्छा, अंदर रह रहे ना, कभी वजीर बन गया तो बड़ा पावरफुल वजीर बना, दूसरे दिन उसका जमीर जाग गया, तीसरे दिन फिर नताशा की हुकूमत आ गई, नताशा ने उससे अच्छा, पहले नताशा और ये बड़े पक्के दोस्त थे, गॉसिप करते थे ये वो सब। जिस दिन ये वजीर बना ना, सिकंदर भाई को और नताशा को मुशीर बना लिया इसने। ओके, सिकंदर भाई ने इसका जमीर जगा दिया और नताशा के खिलाफ कर दिया। ओह, अब नताशा कोई बात बोले, नताशा कोई बोले शट अप नताशा, ये अपने तौर पे हिटलर चल रहे थे ना, इनको नहीं पता अगली हुकूमत नताशा की आएगी। अब आप सात हफ्ते तक आप पावरफुल हो, उसके बाद आप सात दिन पावरफुल आप, उसके बाद आप, अब वो हो गई नताशा। अब नताशा ने किचन में नहीं खड़े थे, मैं देख रहा था, नताशा ने जो उससे किया बदला लिया है, तीन टाइम के बर्तन आप धोएंगे, और हमारा ये असूल था पहली हुकूमत से, मेरे हुकूमत से असूल था कि हर बंदा अपनी प्लेट और अपना चम्मच खुद और अपना कप खुद धोएगा, ताकि सेल्फ अपना करें, ताकि किसी को बर्डन नहीं पड़े। नताशा ने बोला कि ये जो अब से चला आ रहा है ना कि अपनी प्लेट खुद धोएंगे, कोई नहीं धोएगा, सब अपनी प्लेट वहां रखेंगे, बल्कि वहां भी रहेंगे, टेबल पे रखेंगे, आप खुद उनकी प्लेट उठाएंगे, खुद धोएंगे। लिटरली राणा की ऐसी हालत हो गई थी कि राणा पत्नी कितनी दफा बेचारा रोया है, हमें रहम आ गया यार, मतलब गलत हो रहा है यार। राणा बोला, दादी भाई खबर मेरी दुख गई, अल्लाह भी देख अफसोस भी हो रहा है, हंसी भी आ रही है यार। रात को 12-12 बजे तक, एक एक बजे तक उसने अकेले बर्तन धोए, 10 छोटी प्लेटें, 10 बड़ी प्लेटें, 10 कप, एक कांटा, एक चम्मच, सही है, फिर एक्स्ट्रा प्लेटें। अब आप सुने, तीन टाइम में कितनी हो गई, 100-150 बर्तन धोता था उसकी, जो मैं ख्याल में वो कैटरिंग पे या किसी शादी ब्याह में अगर वो बर्तन धोने पर लगेगा तो ठीक ठाक पैसे कमा सकता है, उसको प्रैक्टिस नहीं हो गई। चले राणा, अगर आपका ये पीएचडी वाला प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो फिर आप यहाँ पर बर्तन धोने का काम करिए, आप इन टच है बिल्कुल। राणा शिव शर्मा वजीर मान ना, एडी तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी कोई चीज गिर जाए या कोई भी चीज़ जो आपने उठा के देना है, आपने सिर्फ मेरे साथ साथ रहना है, आपने मुझे एंटरटेन करवाना है, गाने सुनाना है, और बात सुने, दूध नहीं है, मुझे एंटरटेन करें, मुझे सर में दर्द हो तो मैं कभी भी चाय मांग सकता हूँ, और मुझे नहीं पता आप कहीं से भी चाय ला, ये वाला मॉल चल रहा था ना राणा का, मतलब वजीर बनने के चक्कर में बादशाह खुद बन गया था। तो अब ना उन्होंने अलग से एक सीट बना ली थी अपने, कि ये मेरी सीट है, अच्छा मुझे डांस करके दिखाया जाए, मुझे गाना सुनाया जाए। अब मैं बोलता था वजीर साहब, वजीर खास, तो मैंने दो तीन वाला मीरपुर खास, तो बोला सर मुंह से निकल गया। फिर नेहा जेल में चली गई, नेहा ने जेल में जाने के बाद राणा के खिलाफ जो कंपेन चलाई है, और मैं नेहा के साथ ना, मैंने नेहा ये वाला नारा भी लगाया, मतलब भाई मैंने वजीर साहब आपके खिलाफ नारे लगा दिए, ये वो मतलब आपने कम मसाले नहीं लगाए, मतलब मैं यार ये इतना सख्त वजीर बन गया था माशाल्लाह, मैंने लगा इसको भाई गिराओ, ये तो हमारी जीना दुपर कर देगा। फिर वो सिकंदर भाई ने इसको अंदर से अच्छा आदमी जगा दिया, फिर ये बादशाह सलामत ने इसको डांटा। भाई सबने अपने अपने शेड्स बदले, कोई सीरियस आया वो कॉमिक हो गया, जो कॉमिक आया वो सीरियस हो गया, जो पॉजिटिव आया वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ उन लोगों की एनर्जीज भी आप कैच कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप में तब्दीली आती है, तब्दीली यहाँ भी आएगी बिल्कुल। हम जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हो गया हाँ फटाफट ले लो उससे पहले कि बॉस आपने भी होस्टिंग की हुई है ज्यादा, आप ना वो हमें ना करें, आप ब्रेक ले जाएं। नहीं मैंने होस्टिंग नहीं की, ये क्यों यार झूठ है। अच्छा मैं कह लेता हूँ, आप देख रहे हैं द नाइट शो विद अयाज समो, और आप आए थोड़ी देर बाद कुछ खा पी के, हम भी कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि अयाज भाई ने भी चाय नहीं बनाई, ऐड होगा तो चाय मंगाएंगे, क्योंकि चाय बाहर से मंगाना पड़ती है, इनके बजट में है नहीं, ये अपने पल्ले से मंगाते हैं। भाई ब्रेक भी चले जाए यार। लोग हमें मेरा क्या इमेज गया होगा, लोग पसंद कर रहे होंगे कि मुझे नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको नहीं पता कि अंदर जो आप कर रहे हो बाहर क्या उसका जा रहा है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा आपको, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा, और आप क्या खेल रहे हैं आपको ये भी नहीं पता, क्योंकि आप इतना माफ हो जाते हैं अंदर जाके कि आपकी सोचने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप एक जगह बैठे हैं, आप वही लोगों को देख रहे हैं, आपकी कोई जिंदगी नहीं है, आपको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, आगे पता चला कि चीनी तो 180 हो गई, मैं तो 125 छोड़ गया था। एक अच्छा आने के बाद एक ये टेंशन होती है ना घर की, कि दूध इतना हो गया, वो इतना हो गया, बंदा बोला लो यार अब तो ये दोबारा मैंने तो उस बजट के पैसे लिए थे तो पैसे बढ़ गए।
तो पेट्रोल भी महंगा हो गया, तो अजीब दुनिया ये 6 हफ्ते में अजीब दुनिया बदल गई बाहर आपकी, और ये 6 हफ्ते ऐसे लग रहे थे जैसे मैं कई सालों से अंदर हूँ। अच्छा, क्योंकि एक एक पल, एक एक लम्हा आप जो गुजारते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। अभी हम बैठे में बात कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो हमारा टाइम ऐसे 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 चल जाता है। लेकिन जब आप कहीं नहीं होते ना, आप 4-5 लोग कितनी बातें कर लेंगे, आप किस टॉपिक पे बात कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वो टाइम बड़ा मुश्किल गुजरता है। और कभी तो ऐसा दिल चाहता है कि आप निकल के भाग जाएं। हम वॉशरूम जाते थे तो एक जगह थी, हम बोलते हैं कूद के भाग जाऊँ, फिर जहन बाजा नहीं यार, पैसे भी तो फंसे हैं। अगर ये डर नहीं होता तो हो सकता है मैं दूसरे तीसरे दिन भाग। कब ये महसूस होना यार, हफ्ते होता था, लेकिन फिर हफ्ते की दिहाड़ी याद आ जाती थी, बोला नहीं यार जीत के जाना है, पैसे लगे, ऐसा नहीं करना है। इससे पहले हम मजीद पर्दे उठाएं, हम आपकी जिंदगी से पर्दा उठाना चाहेंगे। जिंदगी से पर्दा अब जिंदगी से उठेगा भाई, जिंदगी छोड़ के दुनिया से भी उठना जाएगा। पर्दे उठाने को तैयार है? बिल्कुल तैयार। ओके जी, क्या दानिश की वालदा ने इनकार कर दिया जब, हटाइए, अम्मी को ड्रामे में अदाकारी करने का बताया? बिल्कुल सही है, ऐसी बात अम्मी ने, बिल्कुल सही, सख्ती अम्मी बहुत 100% सख्ती थी। मैं इकलौता हूँ, आपको तो पता है ना, बहन भी होता हूँ, हम दोनों भाई हैं, हमने एक दूसरे के भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हुआ था कि मैं अम्मा ना कहीं जाने आने नहीं देती थी, मतलब खाले घर में मैं रुकने का ही बोल रहा हूँ तो नहीं साथ रुकोगे वरना नहीं रुकोगे। तो डर ये था कि हमारी फील्ड, आज से 16 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 15 साल, तो उस फील्ड थोड़ी सी उसमें आते थे कि नहीं अच्छी नहीं होती, अच्छे लोग नहीं होते, दिन रात का पता नहीं। तो अम्मा ने बिल्कुल मना कर दिया था, ये बात हकीकत है। फिर मेरे अब्बा ने मनाया था कि यार इसको जाने दो, इसकी जिंदगी है, थोड़ा सा निकलने। तो अब्बा को शौक था, थोड़ा फिल्म में देखते थे तो वो बोलते थे, तो फिर इस वजह से अम्मा ने तो डांट, और कई दिन तक उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया था कि नहीं दूसरा काम देखो, ये बस ये सही है, शौक है, सही है। और फिर जब आप माशाल्लाह अच्छा काम कर लेंगे तो फिर वही अम्मा को आपका फखर भी, जाहिर सी बात है, ऐसे ही। ओके जी, क्या दानिश को बचपन से ही कहा गया था कि उनकी शादी फुप्पू की बेटी से होगी? 110 बल्कि 200%, मतलब बचपन में ही आपका, सर बचपन में, किस उम्र की बात है? सर मैं बताऊँ ना, हम बचपन में ही दम दोस्त थे ही साथ। तो फुप्पू आती थी, क्वेटा में रहते थे, तो 2 महीने के लिए सर्दियों में ही होते थे। तो फुप्पू ने शुरू में ही बोल दिया था कि जी लुबना जो है वो दानिश के लिए है। Okay. अच्छा, दूसरी बात यह कि लुबना पैदा भी मेरे घर पे हुई है, पप्पू यहाँ आई हुई थी रुकने के लिए, मेरे घर पे पैदा हुई, अल्लाह ताला ने उसको उतारा ही मेरे घर पे, और बोले यहीं पे रहना, इसी घर पे यही रहना, पर यही घर है आपका, तुम जाने फंस गए, अल्लाह में मेरा क्या सुन रहे। ये हुआ। तो फिर जब बचपन से आपको ये कह दिया गया हो कि आपकी शादी इनसे होनी है, तो फिर तो आपने कोई मोहब्बत करने का रिस्क ही नहीं लिया होगा जिंदगी में? लिया, ये क्या बात हो गई, मोहब्बत आपका हक है भाई। देखिए तो बाद में आके फिर पता चला ना, मतलब 4-5 चांस तो लेता है ना यार, ऑप्शन। अब आप राजी नहीं हो रहे, आपने कहा फुप्पू की बेटी तो मैंने नहीं करनी, मैंने कहीं और ट्राई करना है। नहीं नहीं, वो तो था, लेकिन वो जाहिर सी बात है बचपन, इंसान का दिल भी तो होता है, दिल भी तो होता है। क्या दानिश ने मायरा खान से कहा कि मेरी शाहरुख खान से बात करवा दे? मैंने नहीं कहा ये, मायरा भी देख रही, उन्होंने कहा। अच्छा, मायरा ने खुद आपको कहा? मायरा ने कहा, और यहाँ एक निजी चैनल के ऊपर है, मॉर्निंग शो में, क्योंकि वो बात हो रही थी कि मैं फैन हूँ, वो फैन है, हम लोग एक फिल्म हमने साथ की थी मायरा ने, मैंने तो प्रमोशन में हम लोग साथ ही साथ थे। तो मायरा ने ये कहा था कि मैं शाहरुख की बड़ी फैन हूँ, मतलब आप तो बड़ी फैन नहीं हो सकती, क्योंकि आप मिल रही है, मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं और मेरी बेगम इतनी बड़ी फैन है कि हम अगर किसी को गिफ्ट भी देते थे तो एक दूसरे को शाहरुख खान के पोस्टर्स देते। अरे वाह वाह, वो जो पोस्टकार्ड्स आते थे, पोस्टकार्ड्स आते थे और वो सारे, तो हम एक दूसरे को पोस्टर्स देते थे। तो मायरा ने अच्छा सही बताया, मतलब जी, तो मायरा ने कहा कि यार मेरा वादा हो गया ये कि आपकी बात में शाहरुख से करवाऊंगा, ऑन कैमरा है एक चैनल के अंदर। तो उसने फिर बात नहीं करवाई थी मेरी, उसने एक ट्विटर पे शाहरुख खान के अपने अकाउंट पे मेरी एक वो लगा था, एक इंटरव्यू था मेरा, जो किसी उसके लिए एक लड़की ने दिया था, इंग्लिश मैगजीन था, तो उसमें मेरी जीरो फिल्म मारी थी शाहरुख खान की, शाहरुख खान की और पीटर की तस्वीर लगी जो अमेरिका का हॉलीवुड का हीरो है। तो वो तकरीबन 5 या 6 सफ़ों का था, तो मेरे बारे में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का पहला जो है ना पीटर डिंकलेज, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, अभी शाहरुख खान का फैन हो पहला, तो पाकिस्तान में पहला इस कद का बंदा जिसने मतलब इतना बड़ा रोल किया है, सेकंड लीड रोल किया है। तो शाहरुख खान ने, ये मायरा देख रही होंगी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, शाहरुख खान ने मायरा का फोन किया कि ये लड़का कौन है जो ऐसे ऐसे। तो मायरा ने दानिश मकसूद है और ये आपके बड़े फैन है, मतलब अच्छा मेरा फैन है, तो बोला जी आपको बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे होता, बोला नहीं वाकई में आपके फैन है। और उसने फिर इंटरव्यू निकाल के भेजा शाहरुख खान को, और भी शाहरुख खान ने बोला कि इनको बोला कि मेरे लिए वीडियो बना के भेजे। ओके तो फिर मायरा का, मेरे पास 3 बजे दोपहर का फोन आया, मतलब मायरा खान,
तो मतलब जी मायरा, तो मायरा ने बोला कि वो ना ऐसे ऐसे मेरी खान साहब से बात हुई है और वो आपका ट्विटर पे बड़ा हिट चल रहा, तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि आप उनके बड़े फैन हैं, तो बोले नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, तो उन्होंने बोला कि एक वीडियो बना के, तो आप एक वीडियो बना के शाहरुख खान के लिए दे दो। ये लिटरली बोला, मायरा खान मौजूद है, वो बता सकती है। यार देखो दुनिया शाहरुख खान का वीडियो मांग रही है, शाहरुख खान हमारे दादा, ये देखें आप, ये अल्लाह है, फिर वाह 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 क्या बात है, वाह देखा तो ना शाहरुख खान ने भाई, ये बंदा जिंदा देखा मुझे इस बार, वाह हो गया जी, क्या दानिश ने बस में सफर किया और वो हटाइए खवातीन की सीट पर बैठा करते थे, यकीन करो अक्सर मैं भी अक्सर ना क्यों, मेरी भाभी आई और भाई यहाँ पर जॉब करने आए, तो वो यहाँ पर जॉब ढूंढ रही थी, अब वो बस का, अब उनको रास्ते तो पता नहीं थे, तो मैं जाता था, तो किराया बचाने के लिए मुझे लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ाती थी, और वो जो साइड में एक सीट नहीं होती, दो सीटों के साइड ड्राइवर के पीछे होती है, तो उधर मुंह करके मैं खिड़की के पास खड़ा था, अक्सर बैठ के रखी होती है, डब्बे रखे होते हैं, तो मैं ना खिड़की की तरफ मुंह करके, कोई पहचान, अच्छा मैं इतना छोटा, इतना बड़ा नहीं था, तो छेवे भी नहीं आती, तो बच्चे रहते, क्या दानिश की फैमिली में उनके यहाँ हटाइए 27 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई, 27 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई, मेरे खानदान में कोई नहीं, मतलब मेरे दो चचा, एक मेरे वालिद, तो मैं एक था, एक चचा के दो बेटे थे, एक चचा के दो बेटे और एक बेटी थी, जो एक बेटी थी उसकी शादी के बाद, जब शादी वादी हो गई उसके बाद हमारे खानदान में बेटी हुई, वो मेरी बेटी थी 27 साल बाद, और पूरे पाकिस्तान ने उस बेटी को माशाल्लाह तमाशा देखा, बहुत 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 क्यूट है माशाल्लाह, तो पूरा खानदान की लाडली थी वो, और पूरा खानदान खुश था, और हम लोग ये दुआ मांगते हैं अल्लाह बेटी जाए बेटी जाए बेटी, मेरी भी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटी जाए, क्योंकि रहमत मिला है, क्योंकि हमारे घर में बेटियां नहीं थी, तो बेटियां रौनक होती है घर की ना, और घर की भी रौनक होती है, और एक बात बताऊं, वालिद साहब के लिए बहुत ज्यादा प्यार उनके दिल में होता है, वालिद से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अच्छा भाई जब तमाशा में आपकी बेटी आई, हमने सबने देखा कि आप सोए हुए थे, यार एक इंसान गधे घोड़े बेच के सोया हुआ है, मैं अच्छा ख्वाब में वो आवाजें आती थी बाबा बाबा, मैं समझा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं पलट के देखा तो वाकई में वो जहरा थी, तो मैं दो मिनट के लिए तो बिल्कुल, हमने देखा अभी हैंग थे, आपको डाउनलोड कर देंगे, ये बाकी सच में है इस तरह का कुछ ऐसी है, क्योंकि अंधेरे में उसको लाए थे मेरे ख्याल से, तो मुझे नहीं पता था वो डार्क लाइट, बट वो एक बड़ा एक लोगों ने ना उस मोमेंट को पसंद किया, सरप्राइज था, और वैसे जिन जिन की बेटी आई है, जिन जिन के बच्चे आए, फिदान की बेटी आई और अरुबा की बेटी आई माशाल्लाह, तो वो ये वाले मोमेंट्स बड़े चेरिश करने वाले होते हैं, और वो आपका ना एक असल जो आप क्या इंसान है, वो तभी आपको पता चलता है जब आप घर वालों से मिलते हैं, सही बात है, और आप इतने दिनों बाद जब घर वालों से मिलते हैं, जहाँ आप अपने मतलब दुनिया में हम कहीं भी जाएं, तो कम से कम आप तो फोन है, आप तो वीडियो कॉल है, तो आपको तसल्ली आती है, वो भी तसल्ली गलत है, आप एक जगह 43 दिन रह रहे हैं और आप आवाज तक नहीं सुन रहे अपनी बेटी की या अपने घर वालों की, ना तस्वीर देख रहे, मैंने तस्वीर मंगवाई थी ना, तो तस्वीर बैठ के साथ लगाई हुई थी मैंने लगाई हुई थी, फैजान ने लगाई हुई थी और सिकंदर भाई ने लगाई हुई थी, तो हमने अपनी उनके सुबह मॉर्निंग में उनको देखी तसल्ली आती थी बस। चले भाई अब टाइम एक ब्रेक का, दानिश भाई आपकी इजाजत हो तो हम ब्रेक पे चले, मेरी इजाजत है, आपको करना है अपना ब्रेक, हम दोनों बैठेंगे तो पूरी रात ही बात होती रहेगी, आप जाने ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नेचुरल रिएक्शन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद अस, मेरे साथ मौजूद है मेरे यार दानिश मकसूद। दानी भाई बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, गिनती के कुछ लोग बाकी हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा फाइनल? मुझे लगता है कि यार उमर, जुनेद, अरुबा, इन तीनों में से कोई एक जीतना चाहिए। उमर, जुनेद या अरुबा? अरुबा। और तीनों की जीतने की वजह क्या क्या हो सकती है? देखिए अरुबा का मैं अभी आके देख रहा हूँ कि अरुबा की पब्लिक पीछे बहुत स्ट्रांग है, मतलब उसकी जो देख रहा हूँ मैं आपको, मतलब ज्यादा फैंस है उसके। हाँ फैंस ज्यादा, क्योंकि ये पब्लिक का गेम है, आप जितना अच्छा खेल लो कुछ भी कर लो, अगर पब्लिक आपको चाहेगी तो जितवा देगी, पब्लिक चाहेगी तो वो आप। अच्छा उमर की फैंस फॉलोइंग बहुत अच्छी है, खासकर लड़कियों में बहुत पॉजिटिव बंदा है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, शुरू में पढ़ा हुआ था लेकिन उसके बाद अच्छे, बहुत अच्छा बंदा है, और जुनेद भी अच्छा है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, हैंडसम है, आपको पता है तो आजकल हीरो ही हीरो को लोग ज्यादा चाहते हैं, तो अभी नया टैलेंट है, अभी उसका एक ड्रामा है, तो आपको लग रहा है तो रूबा या उमर या करंट है ना, मतलब जुनेद अभी जाहिर एक नया, तो मतलब ये लोग गेम सही नहीं खेल रहे, आप ये कह रहे हैं वोटिंग इनके पास है, गेम सही नहीं खेल रही है? नहीं गेम भी सही खेल रहे हैं आप, खामा नहीं नहीं ये आपने आप कवर कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद सबको मिलना है, आप मुझे गड़बड़ाएंगे खामा खामा, ऐसा ना करें, तो हमारी सबकी दोस्ती अच्छी है, वो गेम पे ऐसा था। अगला गेम जो खेलने लगे वो है पावर प्ले, आपने तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। दानिश का कोई हिडन टैलेंट जो दुनिया को नहीं पता? सर कोई नहीं, सब पता चल गया, आप तो हिडन टैलेंट क्रिकेट बॉच ही खेलता है, और मैं आठ बॉल खेलता हूँ, बड़े बड़े को मैंने हमने साथ खेला, हमने साथ खेला, बहुत अच्छा खेलता है। अगर ये लोग 24 में ना होते तो कहाँ होते? बरकत, बरकत जो है किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जो ना कंप्यूटर का काम कर रहा था। क्यों
बाबा ऐसे ही उसका कंप्यूटर वाला मुंह है। ये लगा दे उसमें उसमें भाई, या तो फिर रेलवे में टीटी होते हैं या कोई क्लर्क होते हैं गवर्नमेंट का ही बंदा लगता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं उसी बैंक में। जानता हूँ काम से घर दी बच्चे पास, वो 9 to 5 वाला ही बंदा है। आदि अगर कहीं नहीं होता तो अगर वो ये नहीं कर रहा होता तो वो कहीं चौकीदारी कर रहा होता और सो रहा होता। सोने की बात है, कर कौन रहा है जो बैठे बैठे सो जाता है। अरे आप सब छोड़े, आपने तो तमाशा में इसको सोते हुए देखा ना। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे कोई 9 2010 10-11 ये बैठे बैठे सो गए सीन के बीच में। सीन चल रहा है और हमने अपनी लाइन दी, अब दानिश की लाइन आनी है तो हमने किधर देखना, अब दानिश की लाइन नहीं रहा। हमने थोड़ी देर के बाद दानिश को देखा, दानिश बैठ बैठा मीडिया में ना होते तो वो पुलिस में होते। पुलिस में सख्त टाइम है जो उनके, आपने देखा होगा ना पुलिस वाले फुल। ओके जी, फिल्म में किसके साथ हीरो आना चाहेंगे, सजल अली, मायरा खान या आयजा खान? मायरा खान कर तो लिया एक फिल्म के यार। मायरा है, मतलब पता नहीं क्यों शोबिज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने उससे पर्सनली लिया कि इतनी बड़ी सुपरस्टार होने के बाद भी बहुत ही डाउनवर्ड बंदी है। अगर वो मतलब स्पॉट बॉय से लेकर ऊपर तक सबके साथ एक जैसी है। बहुत अच्छी बात। ओके जी, आपकी मीडिया के कौन से ऐसे दोस्त हैं जो शॉपिंग लंडा बाजार से करते हैं लेकिन दुनिया को बताते हैं कि ये चीज़ तो हमने दुबई से खरीदी है? सर आपके पता अक्सर ऐसे ही लोग हैं। कौन है मेरे पे ना डालो। नहीं यार वो मेरे साथ तो कोई नहीं करता जी, लेकिन मुझे नहीं लगता तो कि कुछ ना वो जो फेक बनते हैं। मैं खुद करता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, संडे बाजार नहीं है क्लस्टर वाला, मैं बहुत गया हूँ और मैंने बहुत सारे स्टार्स को देखा है और वो सामने आया तो कट गए और मैं घूम के फिर उनके सामने चला गया। क्या लेने आए हो? नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत सारे और जाते सुबह सुबह 9 बजे के बाद ताकि सन्नाटे में लेके निकल जाए। ये खुद 9 बजे पहुंचा हुआ था अभी तो देखा मैंने। ओके जी, अगर स्कूल के प्रिंसिपल होते तो क्या करते? क्या करता? बच्चों पर रोब डालता, क्योंकि बच्चे मेरे रोब में आते नहीं है। ऐसा कोई सवाल जिसे सुन सुनकर कान पक गए हों? ऐसा कोई सवाल जिसे सुन सुन के कान, हाँ वो जो रिश्तेदार होते ना अक्सर, यार ये शोबिज में काम करते हो लेकिन इसके अलावा भी कुछ कर लो यार। हाँ ये मशवरा हर कोई देता है। चलो ये तो सही है लेकिन इसके अलावा क्या कर रहे हो? अबे भाई यही काम है भाई, ये 24 घंटे का 24 आवर काम है, आप इसको क्या हल्का ले रहे हैं? लोग समझते हैं हॉबी है ये, हम टाइम पास के लिए करते हैं। यार अपना कोई साइड बिजनेस भी कर लो, पता है ये जिंदगी इनकी ऐसी होती है, एंड में बड़ा होता है भाई। क्यों होता है एंड में? एक चैनल था जब तो इतने चैनल थे माशाल्लाह से, अब तो यहाँ टाइम ही नहीं है। अब तो हर बंदे को पहले काम नहीं मिलता था ना, मतलब एक चैनल होता था तो मसले होते थे, अब तो इतना काम है। आप मेहनत करें, आप मेहनत करें, अपने काम के साथ ईमानदार 100% दें अपना, आप ले आप क्यों नहीं, आपको काम मिलेगा यार, अल्लाह सबका है। ओके जी, क्या होटल में जाकर खाना खाने के बाद वो केचप के साशे और टिश्यू और वो सब कभी? अरे तो आपको पता है तो जरूरी है, पाकिस्तानी पार्टी हमारा कौमी खेल है सर। मतलब अपने होटल के साबुन सर फ्रिज में आप जाके देखें, साशे पड़े में मिलेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई कहानियां खोल रहा है। मैं तो यकीन करें होटल के वो जो तकिए होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं। ये मत करें कि तकिया ब्रीफकेस में डाल के ले आया था। रुकने जाओ ना किसी होटल में, एक तो उसका एक चप्पल वो मेरे आती नहीं है, बेगम काम आती है, एक तकिया और छोटे वाले तौलिया नहीं होते वो बेहतरीन होते हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझे। यारी होटल का तकिया कौन चोरी करता है यार? दाने सारे लोग करते सर, ब्रीफकेस में डाल के ले आया, आपका होता पैसे देने उनके भाई। अबे भाई तो सोने के पैसे दिए, उसको घर लाने के पैसे नहीं दिए। यार अब एक्टिंग पैसा कमाने का जरिया है या सिर्फ शौक? शौक था लेकिन अब पैसा कमाने का जरिया प्रोफेशनल है, क्योंकि शौक से आप घर नहीं चला सकते। सही बात है। किस रंग की जैकेट पहनना चाहेंगे, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर या येलो कलर? ये ब्लैक वाला यार, ये ब्लैक, तू तो ब्लैक वाला है, ब्लैक वैसे येलो भी चलेगी। ओके जी, किस बात से डर लगता है जिंदगी में सबसे ज्यादा? डर किस बात से लगता है? बेटी जब बड़ी जाएगी और घर से चले जाएगी, उस बात से अभी से बड़ा डर लगता है, अभी से सोचता हूँ कि वो क्या होगा। ओके जी, किसी ऐसी जगह डिनर पर गए जहाँ मेन्यू देख कर समझ ना आए क्या लिखा हुआ, मंगवाऊ क्या? अक्सर कभी वो कुछ गलत मंगवा लिया? नहीं, मैं मेन्यू देखता नहीं, मैं रेट देखता हूँ। अच्छा, खुद पैसे देना था रेट देख के? हजार, अच्छा 900, 350, हाँ ये अब 300 के बाद यार सही है। कह रहा है एक बंदा ऐसी था जो ना सिर्फ रेट देख के चीज़ें मंगाता था, अच्छी जगह आऊँगा सबसे जो सस्ती चीज़ होगी वो मैं मंगवा लूँगा,
तो देखते 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 ना उसको एक चीज लगी 16 रुपए की। उसने कहा भैया ये ले आओ। बेटे कह रहा भैया पेज नंबर लिखा हुआ ये। ओके जी, सोशल मीडिया पर कोई अपनी वीडियो या कोई तस्वीर डाल के फौरन डिलीट की है? अक्सर क्यों डालने के बाद समझ में आता नहीं यार अच्छी नहीं लगती, पता नहीं अपनी तस्वीर अच्छी लगती नहीं है कभी, ऐसा होता नहीं होता। जितने अच्छी हो दुनियादारी करो आपको अच्छी लग रही होती। एक मूवी वो शादी ब्याह की बीवी ना अपनी मूवी अजीब लग रही होती यार, मेरे पास कैमरा कहाँ था, खास समय जब आप खाना खा रहे हो यार आप निभा रोक लेते चला जाए, नहीं फौरन डिसेंट बन जाता ना। हाँ ऐसा जाता है। अच्छा भाई अगला जो गेम खेलने लगे वो है पासवर्ड गैस करना है। आपने अपने कुछ दोस्तों के कुलीग्स के ठीक है उनकी पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए कि उनका पासवर्ड क्या हो सकता है ठीक है। फैजान शेख का पासवर्ड क्या होगा? फैजान शेख का होगा पासवर्ड आदि मुजरिम। आदि मुजरिम? हाँ ये वो अपना दोस्त तो, वाला आदि है या दोस्त वाला आदि है आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है, खुद उसकी पर्सनैलिटी पर नहीं है। ओके जी नताशा अली बुक्कर चोर। बहुत गहरी बातें कर रहे थे अनिश भाई। वाह वाह। नेहा खान। नेहा खान रखेगी अपना ग्लूटेन, ग्लूटेन फ्री। ओके जी अदनान हुसैन। वन अगर टू पॉप प्रो, टू पॉप प्रो शुगर। ओके देखिए, ओके जी मिशेल मुमताज। मिशेल रहेगी दानिश मकसूद। भाभी आप देख रही हैं? वो देख रही हैं, उनको मैंने समझा भी दिया, टेंशन ना लें आप। नहीं मिशेल अपना नाम रखेगी। नहीं नहीं अब तो मैं इसकी गहराई में जाना चाहूंगा। मिशेल रख रही है पासवर्ड दानिश मकसूद, यानी कुछ पीछे खिचड़ी पकी है। नहीं पकी नहीं है बाकायदा, मैं बोल रहा हूँ कि उसको ये कि मैं उसके खिचड़ी नहीं दानिश है हलीम पकी है, हलीम उसके दोस्तों की तरह हूँ। मेरी बड़ी अच्छी कुलीग रही है और मैंने उसके साथ बड़ा, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया जब वो एलिमिनेट हो रही थी और आपने अपना। हाँ मैंने बैंड दिया वो फ्रेंडशिप बैंड, फ्रेंडशिप बैंड बैंड आपने दिया उनको। हां फ्रेंड ट्रिप बैंड होता ना वो मैंने दिया उनको। क्यों दिया? वो यार ऐसी वैसे बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो उनको तो टिश्यू पेपर तक नहीं दिया साथ भी ना। सर उनको तो मैं टिश्यू पेपर क्यों दूंगा, वो रोते हुए नहीं गए ना, ये बिचारी रोती भी जा रही थी। वो मेरा लकी बैंड था सही बता रहा हूँ मैं आपको, वो बैंड गया मैं देखें टास्क भी आ गया आखिरी हफ्ते। जी उरुवा मिर्जा का पासवर्ड क्या होगा? जखीरा अंदोज। जो ये बोरियां छुपा रहे हैं? सर बोरियां नहीं, वो आप यकीन करें वो शीरखोर में आया था उसने 4 दिन चलाया, वो 3 दिन बाद भी मिठाई फ्रिज में से निकाल के ले आती थी और सबको खिलाती थी। जो बात अच्छा रूपा में, लेकिन वो अगर खाना है ना उसने अपनी प्लेट भरनी है आधा खाना है उसको पता अगले पत्नी रात को खाना होनी हो अपना आधा सेव करो फिर दोस्तों को भी खिला दी ऐसा नहीं अच्छी दिखाए। अच्छी बात। ज़ैनब रज़ा का पासवर्ड क्या होगा? ज़ैनब रज़ा का होगा ये हंस रहा है कुछ है कुछ आया इसके दिमाग में। तुम चुप करो, हां तुम चुप करो, तुम चुप करो, 3 दफा लिखा ज़ैनब ने तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम चुप करो, एंड में लिखा हुआ छोटा सा उमर। ये कहानी दूर दूर तक पहुंच चुकी है, बहुत ब्रेक में हम जा रहे ब्रेक है, मिलते ब्रेक के बाद देखते हैं राजू दे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो रिया, समय में साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों पर राज करने वाले मिस्टर दानिश मकसूद। जी सर वेलकम। कितना क्यूट बन के बैठे, जैसे कहा दिलों पर राज करने वाले, यूं करके यूं करके बैठे। सर आप तो दिलों के राज। वैसे क्यूट तो हैं आप यार। सर कहाँ क्यूट हो, अभी तो मैं बिल्कुल म्यूट हूँ। अगला जो गेम खेलने लगे हैं आपने कुछ चीज़ों के नाम रखने हैं। अब हम दानिश का दिमाग, क्योंकि दानिश के जो जिस्म की ताकत है वो तो हमने देख ली शो में भाई, ताश में सब जीत जाते हैं। अब आपका है दिमाग का टेस्ट। अब आप मुझे जितनी इज्जत मैंने बनाई है ना वो आप सब खराब करवाएंगे आज। आपने इन चीज़ों के नाम रखने हैं, अगर दानिश मकसूद को मौका मिलता है कि इन चीज़ों के नाम रखे तो वो क्या होता है? लगाए पहली तस्वीर। इसका नाम है जी सोने की मशीन। सोने की मशीन? हाँ इस मशीन पे बंदा सोता है। कराटे क्या? मैं बहुत लेता हूँ कराटे। ओके जी अगला। इसका नाम है, इसका नाम होता है कांटो वाला अंडा। कांटो? वाह 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 वाह, अंडा है उसके ऊपर कांटे लगे, कांटे लगे हैं और वो कांटे मछली की तरह आपने खाने, अगर चुप जाए तो आपने निकाल लेंगे। ओके जी अगला। ये है दुनिया घूमने वाली मशीन। बाकी आप बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं। वाह जी अगला। यह उलझी हुई सेवैया। आए हाय 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 उलझी हुई सेवैया। हाँ। बेहतरीन अगला। धमाकेदार चावल। वाह ये खा के फिर धमाके करें आप। हाँ धमाके करें आप, ये मिर्चे तेज है ना इसमें। ओके जी अगला। यह
कचरा खाने वाले कचरा। ओके जी अगली। ये जिन का बैंगलो है जिन माशाल्लाह वाह वाह बड़ा कंफर्टेबल में गाड़ी वाड़ियां सब खड़ी हुई हजारों साल रहता है इसमें। हजारों साल फिर अलादीन में करता तो निकलता है। देखो कितनी कमाल बात है, जिन है वो इसके अंदर रहता है, अजार उसको इंसान करवाता है और फिर वो इंसान की ख्वाहिशात पूरी करता है। वाह 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 वाह। अबे मेरे में इतनी पावर है तो इसको खुद खोल के बाहर आ जा। कहां गहरे पानी में उतर रहा भाई। अगला जी क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा दोबारा। दोबारा एक बच्चा फाड़ देता दोबारा मांगता यार। एक अच्छी पर्सनैलिटी है, हमने इनको एक्टिंग करते हुए भी देखा, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। तमाशा में आपने इनका एक और टैलेंट भी देखा, सिंगिंग का। और ये लोगों को नहीं पता ये वाकई बहुत अच्छा गाता है, और अक्सर हम अपनी शूट पे जब फ्री होते थे तो हम सब कहते थे दानिश को सुना। आज जो आप गाने सुनाएंगे ना आपके लिए चैलेंज होने वाले। अच्छा, क्योंकि आपने हेडफोन पहन के गाना है तो आपको अपनी आवाज नहीं आ रही होगी। ओके, मतलब वो गाना जो बज रहा है वो गाना मैंने गाना है जी। ओए होए होए होए, ये तो बड़ा बेहतरीन होता। बस यही तो है, यही आपके असली सुर चेक होंगे सर। ये तो सुर ऐसे निकलेंगे ना बस निकल जाए। ओके जी दानिश भाई रेडी हैं? जी सर। पहला गाना लगा दूं? बिल्कुल लगा दो। ओके जी। बोलो बोलो क्या देखा, आहा बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। खद तो मेरे हजारों हैं, मेरी निगाह से निगाह तुमने क्या देखा। क्या देखा, मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। ओहो, मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। ओह, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं इकरार तुमसे नहीं है। वाह लड़के वाह, सही गाया, बहुत अच्छा गाया यार। ये आपके फेवरेट सिंगर का गाना। अच्छा, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खिली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे। वाह दानिश भाई वाह। अगला गाना तैयार है आपके लिए और ये है आपके वाकई फेवरेट सिंगर। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे जाने की खुशियां तेरे जाने का मंजर इतना पड़ेगा अब जमाना हुआ। गदाएं सुनो मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, प्यार हुआ था इकरार हुआ था, है तमन्ना में तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेल में बनाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें दुम्ना बनाए। दुम्बा बनाए भाई, रुक जा। दुम्बा कौन बनाता है भाई यार, बना वर्डिंग में पकड़ भी जाता यार। भाई रोक दो भाई, दुम्बा दुम्बा बना वही। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? लव यू। जितने भी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने तमाशा देखा और जिन्होंने इतना प्यार किया, मुझे नहीं अंदाजा था कि तमाशा के बाद इतना लोग मुझे प्यार करेंगे। मैंने जब आगे कमेंट्स पढ़े आके तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के हर शहर से और पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया में जितने लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरे को जितनी दुआएं दे रहे हैं
और मुझे वोट कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दानिश भाई, आप आए, आपने चार चांद लगाए, हमने भी आपको बहुत इंजॉय किया। आई होप जो घरों में बैठे हुए लोग देख रहे हैं शो को, उन्होंने भी आपकी बातों को इंजॉय किया होगा। यही पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। या समो साइनिंग ऑफ।